हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल अफेयर्स और ये है हमारा पार्ट टू। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग एचएलसी। एचएलसी क्या है? आपका एक हाई लेवल कमेटी जिन्होंने अप्रूवल दिया किस चीज की, कि हम क्या करेंगे, डिजास्टर मिटिगेशन करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? तो देखो, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। तो डिजास्टर मिटिगेशन में हम क्या कोशिश करेंगे कि डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम करें, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना कम करें किसी भी डिजास्टर से होने वाले नुकसान को। तो इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरपर्सन कौन है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। और इन्होंने 4-5 स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसकी वजह से ये क्या कोशिश करेंगे कि डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है इनका अर्बन फ्लडिंग के ऊपर फोकस। अर्बन फ्लडिंग मतलब, देखो, इन्होंने 6 सिटीज को कैटेगराइज किया है, 6 सिटीज को चुना है। वो कौन सी 6 सिटीज हैं? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता। ये 6 सिटीज हैं जहां पे क्या होता है, ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है मतलब कि रोडों पे पानी भर जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है काफी ज्यादा। तो सरकार का मेन एम है कि इन 6 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना, ताकि अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो इस सिटीज में पानी ना भरे। इसके लिए उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना बनाया है? 2514.36 करोड़ रुपीज का। फिर दूसरा इनका जो मेन फोकस पॉइंट है वो है आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पे। अब इसमें क्या होता है, देखो, इन्होंने 4 हिल स्टेट्स को चुना है। वो 4 स्टेट कौन से है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें क्या होता है, देखो, जो भी आपकी पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, उसके ऊपर ऐसे ना लेक्स बनी होती हैं, और इनमें ना कोई डैम डूम नहीं होता, इसमें नेचुरल डैम बना होता है। नेचुरल डैम मतलब इनकी जो बाउंड्रीज होंगी वो माउंटेन्स ही होंगी, पहाड़ियां ही होंगी। तो क्या होता है, कभी कभार ये पहाड़ी जो होती है ये टूट जाती है, जिससे ये सारा का सारा पानी नीचे आ जाता है। तो सरकार कह रही है कि आपने अगर कभी भी डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है ऐसे एरिया में जहां पे ग्लेशियर लेक्स है, तो आपको वहां पे प्रॉपर ये फ्लड का रिस्क लेके चलना पड़ेगा। मतलब अगर बाय चांस आप इस एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको पूरा अनुमान लगा के चलना पड़ेगा कि कल को अगर ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाती है और ये पानी नीचे आता है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ना हो। तो इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। तो देखो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था आपका केदारनाथ वाला। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, वो किस लिए आई थी? क्योंकि केदारनाथ के ऊपर भी एक ग्लेशियर लेक थी, जिसकी बाउंड्री कौन थी? माउंटेन्स। और ये माउंटेन्स क्या हो गया था? टूट गया था, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी नीचे केदारनाथ में आ गया था, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये है आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोग्राम। तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि हम 3 स्टेट्स की जो सर्विस है, किसमें? फायर स्टेशन वगैरह में, उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। और ये 3 स्टेट कौन से? हमारे असम, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और इसके लिए टोटल बजट कितना है? 810.64 करोड़ रुपीज का। और जो लास्ट स्कीम है आपकी, वो क्या है आपकी? YAMS स्कीम। ये क्या है आपका? युवा आपदा मित्रा स्कीम। और इस स्टेट की जो हमारी ये टीम है, हाई लेवल कमेटी है, इनकी पूरी कोशिश है कि इस स्कीम को हम पूरे अपने 28 स्टेट्स में लागू कर सके। और इसके लिए टोटल बजट कितना लिया है? 470.50 करोड़। और कहां से लिया है? NDRF। NDRF क्या आपका? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। उसमें से 470.50 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। इसमें क्या होगा, आपके ना जो युवा है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे समझ लो आपका कोई रिवर साइड, बिहार साइड कोई गांव है, तो वहां के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपके गांव में अगर फ्लड आ जाती है, क्योंकि बिहार में फ्लड आना एक कॉमन बात है, अगर आपके गांव में फ्लड आती है तो आप लोगों को कैसे बचाओगे, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए। फिर कुछ लोगों को सिखाया जाएगा कि आपके आसपास एरिया वाले में, अगर इंडस्ट्रियल एरिया वाले युवाओं को क्या सिखाया जाएगा कि अगर वहां पे अगर आग लग जाती है तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए। तो ये क्या होगा, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें 1300 लोगों को बनाया जाएगा क्या? मास्टर ट्रेनर। और लगभग 2.37 लाख को क्या बनाया जाएगा? वॉलंटियर्स आपदा मित्र। मतलब एक 1300 लोग जो होंगे वो मास्टर ट्रेनर होंगे, वो हेड होंगे, उनके अंडर ये लोग काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, फर्स्ट एक्शन ले पाएंगे लोग, इसलिए ये चीज बनाई गई है, युवा आपदा मित्रा स्कीम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग स्टेट राजस्थान। तो राजस्थान इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अडॉप्ट किया है एक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, जो कि चलेगा 10 साल के लिए। 10 साल वाला रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अडॉप्ट करने वाला राजस्थान इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है। और ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि राजस्थान का टारगेट है कि 2030 तक
जो भी राजस्थान स्टेट में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है, उसको कम करना, रिड्यूस करना बाय 50%। अब देखो यहाँ पे जो राजस्थान एक्शन प्लान बनाने वाला है, इसमें इसकी मदद कौन करेगा? इसकी मदद करेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पूरा एक्शन प्लान बनाएगा, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएगा, ताकि रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके बाय 50%। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट्स को फाइंड आउट करेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है एक्सीडेंट्स का, उन वाले एरिया को फाइंड आउट करेंगे और अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो जो ये प्लान बनाया जाएगा ये 3 फेजेस में एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले है आपका फेज 1। फेज 1 आपका चलेगा 2025 से लेकर 2027 तक। इसमें क्या किया जाएगा, 500 किलोमीटर का जो रोड है आपका, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, उनको उनका ऑडिट होगा। ऑडिट मतलब उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी कि भाई ये रोड जो है प्रॉपर बनाया गया है कि नहीं, इसमें कितने ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कि इसमें कौन सा एरिया जो ज्यादा रिस्क प्रोन है, एक्सीडेंटल प्रोन है, तो वो वाले एरिया फाइंड आउट किए जाएंगे, उनका ऑडिट होगा। फिर सेकंड फेज होगा जो चलेगा आपका 2027 से 2030 तक, और इसमें जो है जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स है उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी बाय 50%। और जो फेज 3 है जो हमारा 2030 से 2033 तक चलेगा, इसमें रोड एक्सीडेंट को और रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, और कितना करने की कोशिश की जाएगी, 75%। तो देखो जो हमारा नाही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने मिलकर बोला हुआ है कि हम हर स्टेट्स की मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनके स्टेट्स में उसको 40% से रिड्यूस करे। अब यहां पे देखो रिस्क की बात आई है, तो रिस्क से एक चीज और याद आती है आपको, वो क्या है कि इंडिया की फर्स्ट एंटरप्राइजेस रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल सेंटर जो है वो सेटअप किया गया है कहां, उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहां आपका, श्री श्री यूनिवर्सिटी में। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उड़ीसा में क्या हुआ है, इंडिया का फर्स्ट सिलिकन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, बाय इन्वेस्टिंग ₹620, तो 620 करोड़ रुपीज। तो ये चीज भी याद रखना, ओडिशा से दो चीजें याद आ रही है आपको, कि एक तो क्या आपका एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल सेंटर खोला गया है, दूसरा आपका फर्स्ट सिलिकन, ये याद रखना, सिलिकन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला गया है भुवनेश्वर ओडिशा में, बाय इन्वेस्टिंग ₹620 करोड़। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कैबिनेट अप्रूवल्स, जो कि रिसेंटली अप्रूव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला है हमारा मिशन मौसम। तो जो ये हमारा मिशन है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा, और ये जो मिशन है ये चलेगा हमारा 2 साल के लिए, और इसका टोटल बजट आउटले कितना है, 2000 करोड़ का। तो देखो जो ये मिशन मौसम है ये लॉन्च किस लिए किया गया है, ताकि इंडिया को और बेटर बना सकें। किस फील्ड में, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग की फील्ड में इंडिया और ज्यादा एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट कर सके। साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब देखो इंडिया में कुछ क्लाइमेट कंडीशन ऐसी हैं जो हर साल आती ही आती है, जैसे कि आपका कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पे तूफान आता ही आता है। फिर आपका कुछ राजस्थान के एरिया हो गए, कुछ मध्य प्रदेश के एरियाज हो गए, जहां पे बारिश नहीं पड़ती और सूखा आता ही आता है। तो इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, लोगों को पहले ही तैयार किया जाएगा इन क्लाइमेट कंडीशंस के लिए, और साथ ही साथ एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा प्रॉपर, जो कि जब ये क्लाइमेट कंडीशंस हो जाएंगे, जैसे सूखा पड़ जाएगा, ये तूफान आके चला जाएगा, उसके बाद ये एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रॉपर रिकवरी के लिए। तो इसके लिए इंडिया को पहले से ही तैयार किया जाएगा इस मिशन मौसम के तहत। नेक्स्ट है हमारा पीएमई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म के तहत क्या किया जाएगा, जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, पेट्रोल डीजल बसेस को रिप्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। तो इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 3,435.33 करोड़ रुपीज का, और टोटल कितनी बसेस को रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी, लगभग 38,000 पेट्रोल डीजल बसेस को रिप्लेस किया जाएगा 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। और ये जो स्कीम है ये 5 साल के लिए, ठीक है, 2024 से लेकर 2029 तक। फिर जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका फेज 4 लॉन्च कर दिया है, और ये भी 5 साल के लिए लॉन्च किया है, और इसका टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया है, 70,125 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट न्यूज है हमारी पीएम ड्राइव स्कीम। पीएम ड्राइव स्कीम क्या, आपकी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट स्कीम, जिसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 10,900 करोड़ रुपए का, और ये 2 साल के लिए है। अब देखो इस स्कीम का मेन फोकस क्या है, कि जो हमारे ई व्हीकल्स है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, चाहे 2 व्हीलर हो गए, 3 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, उनको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करना, जैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना,
फिर जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं ई व्हीकल्स का, उनको सब्सिडी दे रहे हैं वो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ई व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए और ई प्रोडक्शन, जो ई व्हीकल्स की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। फिर दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ई व्हीकल्स परचेज करें। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ये देखो, आप अगर लोन लोगे कार का, कार लोन ले रहे हो आप इलेक्ट्रिक सॉरी पेट्रोल कार या डीजल कार का, और एक लोन ले रहे हो आप कार का इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो ये दोनों लोनों में इंटरेस्ट रेट में फर्क होता है। जो आप कार लोन लोगे ई व्हीकल का, वो आपको सस्ता पड़ता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू जो आप कार लोन ले रहे हो पेट्रोल और डीजल कार का। लगभग 0.25 से लेके लगभग 0.50 इंटरेस्ट रेट कम होता है फॉर ई व्हीकल्स। तो ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ई व्हीकल्स परचेज करें। फिर साथ ही साथ जो आप ई व्हीकल्स ले रहे हो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने पड़ते, आरसी के चार्जेस नहीं देने पड़ते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये भी किस लिए किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ई व्हीकल्स परचेज करें। तो इस स्कीम के तहत दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, क्या कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो ई व्हीकल्स का और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो परचेज करें ई व्हीकल्स। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनको बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक बजट एलोकेट किया है, और वो कितना है, 12,461 करोड़ का, मतलब 12,461 करोड़ रुपीज का बजट एलोकेट किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए जा सके। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि लगभग इन हाइड्रो प्रोजेक्ट से 31,350 मेगावाट की बिजली बनाई जा सके। ठीक है, फिर लास्ट न्यूज है हमारी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है 70 साल के और उससे ऊपर, उनको भी कवर किया जाएगा किसके अंडर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अब इसमें क्या होता है, एक फैमिली में 5 लाख तक का आप फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या जिन प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। तो ये कार्ड बनता है आपका इसमें, जिसके तहत आपको ये फैसिलिटी मिलती है। तो इसमें अब वो सिटीजन भी कवर होंगे जिनकी एज 70 साल और उससे ऊपर है, वो भी कवर किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग एमओएचए। एमओएचए क्या, आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि अब से हर साल 25 जून को क्या बनाया जाएगा देश में, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि देखो 25 जून 1975 को क्या हुआ था, इंडिया में लगी थी एमरजेंसी। एमरजेंसी में क्या होता है, आपका जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और क्या एप्लीकेबल हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल। तो देखो यहां पे क्या हुआ, 1975 25 जून को प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था इंडिया में, और सारे जो ऑपोजिशन है उनको जेल में डाल दिया गया था। तो अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये बोल रही है कि देखो इस साल क्या हुआ है, 50 साल पूरे हो गए इसको जब देश में एमरजेंसी लगी थी, तो अब से क्या किया जाएगा, हर साल 25 जून को क्या बनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस। तो यहां से आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है बड़ा अच्छा। देखो पीएम कौन थे उस टाइम, ये तो सबको पता है इंदिरा गांधी जी, पर उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। तो वो थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, तो वो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। अब यहां पे साथ ही साथ एक चीज और हुई है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन, ज्योतिराज सिंधिया जी, इन्होंने लॉन्च की है थीम किसकी, 8th इंडियन मोबाइल कांग्रेस की, और ये थीम क्या है हमारा, द फ्यूचर इज नाउ। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस के लिए एक ऐप लॉन्च की है, और साथ ही साथ एक वेबसाइट लॉन्च की है। तो वेबसाइट भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जामिनेशन। वेबसाइट क्या है आपकी, www.indiamobilecongress.com। और साथ ही साथ इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की है, स्कीम क्या है आपका, वॉलेंट्री टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम, वॉलेंट्री टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसको आप टेस्टिंग स्कीम भी बोल सकते हो। इसमें टोटल फंड एलोकेट कितना किया गया है, 25 करोड़ का, और ये स्कीम किसके लिए है, स्टार्टअप्स के लिए और एमएसएमई के लिए, जो कि काम करेंगे किसमें, टेलीकॉम सेक्टर में। तो इसमें क्या बोला गया है, जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उनको क्या किया जाएगा, जो भी उनका खर्चा होगा उसमें से 75% जो है वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा, 75% रीइंबर्स कर दिया जाएगा, मतलब वापस गवर्नमेंट की तरफ से उनको वापस दे दिया जाएगा। माइक्रो, अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस इसमें काम कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में, तो उनको 60% जो है वो वापस रीइंबर्स कर दिया जाएगा, और स्मॉल के लिए कितना है, 50%। स्मॉल एंटरप्राइजेस कोई काम कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसको 50% जो भी कॉस्ट उसका खर्चा है उसमें से 50% उसको वापस रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो ये है आपकी टेस्टिंग स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, इसरो ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगे, एक भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन को अरेंज करेंगे, कंडक्ट करेंगे, और ये कब करेंगे, जब इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इंडिया का नेशनल स्पेस डे कब बनाया जाएगा, पहला 23 अगस्त को, जो अभी पीछे 23 अगस्त गया, इस दिन क्या था, इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्पेस डे था। अब देखो 23 अगस्त क्यों चुना, क्योंकि जो इंडिया का
इसरो का जो चंद्रयान 3 था विक्रम लैंडर, वो सक्सेसफुली लैंड कर गया था चांद के साउथ पोल वाले रीजन पे, कब? 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को। तो तब सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि अब से जो 23 अगस्त आएगा उसको हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, एज अ इंडियन नेशनल स्पेस डे। तो इस बारी जो 23 अगस्त 2024 का आया था वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्पेस डे था। तो इस दिन क्या होगा, एक भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन। हैकाथॉन क्या होता है आपका, बेसिकली एक कॉम्पिटिशन अरेंज किया जाता है, इसमें आपको एक टास्क दी जाएगी, मल्टीपल टास्क दी जाएंगी, और जो उसको सॉल्व करेगा उसको प्राइज मिलेगा। ये एक कंपटीशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो फाइनल होगा इसका कंपटीशन का, वो कहाँ हेल्ड होगा, वो होगा आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में, जो कि कहाँ है आपका, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो यहां से सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली प्रोजेक्ट नमन का फर्स्ट फेज जो है उसको लॉन्च कर दिया है। तो प्रोजेक्ट नमन जो है वो हमारा किस लिए बनाया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन बनाया है अपने एक्स सर्विसमैन्स के लिए, जो आर्मी के पर्सन रिटायर हो चुके हैं, पेंशन होल्डर्स हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट नमन बनाया गया है, ताकि उनको जो भी पेंशन रिलेटेड क्वेरीज हैं, इंक्वायरीज हैं, जो भी दिक्कत आ रही है वो डील कर सकें थ्रू प्रोजेक्ट नमन। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, बेसिकली पहले जो आर्मी पेंशनर्स थे, जो आर्मी से रिटायर होकर पेंशन आते थे, उनकी पेंशन प्रोसेस कौन करता था, सब कुछ करता था बैंक का एक सेल। जैसे मैं एसबीआई के नॉर्दर्न रीजन की बात करूं तो इसका एक सेल है सीपीपीसी, जो कि कहाँ है, पंचकुला में। तो जो भी आर्मी के रिटायर्ड पर्सन थे उनकी पेंशन कौन प्रोसेस करता था, एसबीआई का ये सेल। और पेंशन डालता कौन था, ये सीपीपीसी। पैसे ले लेता था डिफेंस बजट से, ठीक है, डिफेंस से ले लेगा पैसे, और प्रोसेस सब कुछ ये सीपीपीसी करता था। यहाँ पे फायदा क्या होता था, सपोज जैसे एक आर्मी का बंदा है, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, पेंशन आया, इसकी डेथ होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी वाइफ को पेंशन लगनी है। तो वाइफ को पेंशन कैसे लगेगी, तो पहले क्या होता था, ये एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाएगी वाइफ और बोलेगी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ये है डेथ सर्टिफिकेट, ये है पीपीओ की कॉपी, और पेंशन मेरे नाम पे शिफ्ट कर दे। तो एसबीआई इनसे एप्लीकेशन वगैरह रिसीव करता था और सीपीपीसी अपने सेल में भेज देता था। फिर सीपीपीसी क्या करती थी, ये जो पेंशन है उसको फैमिली पेंशन में ट्रांसफर करके वाइफ के नाम लगा देती थी। तो पहले ये था, पर अब क्या हुआ है, अब जो ये डिफेंस वाले हैं, इन्होंने ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम थे बैंक्स के, उनसे पेंशन छीन के अपना एक सेल बना दिया है, जिसका नाम क्या है, स्पर्श। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्श सेल बना दिया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रक्षा। तो ये सेल बनाया है। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो वाइफ पहले अपने डेथ हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट और पीपीओ की कॉपी एसबीआई की ब्रांच में जाके सबमिट करती थी, अब उसको ये स्पर्श पोर्टल पे सबमिट करनी पड़ेगी फैमिली पेंशन लगवाने के लिए। या किसी आर्मी पर्सन को लग रहा है कि मेरा डीए कम है या मेरी सैलरी जो है वो गलत आ रही है, पेंशन जो है वो गलत आ रही है, तो पहले वो एसबीआई को चिट्ठी भेजता था, एसबीआई सीपीपीसी में डालती थी और उनकी रिविजन हो जाती थी। पर अब उसको भी क्या करना पड़ेगा, ये स्पर्श पोर्टल में डील करना पड़ेगा। तो जिसमें काफी दिक्कत आ रही है ना एक्स सर्विसमैन को, इसलिए ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है किसने, डिफेंस ने। और किस लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और इनकी वाइफ जो कि प्रेसिडेंट है किसकी, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, सुनीता द्विवेदी जी। तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है फेज वन ऑफ प्रोजेक्ट नमन। साथ ही साथ डिफेंस से दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। एक आपका गौरव मिसाइल, गौरव मिसाइल, ये कौन सी मिसाइल है आपकी, एक तरीके से एलआरजीबी है ये। एलआरजीबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने, और इसको टेस्ट किसके थ्रू किया गया था, सुकॉय के थ्रू, सुकॉय जो एयरक्राफ्ट है उनके थ्रू टेस्ट किया गया था। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट नाम है, वो है आपका सब ल्यूटिनेंट अनामिका बी राजीव। क्यों, क्योंकि ये क्या बनी है, फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट बनी है कौन, सब ल्यूटिनेंट अनामिका बी राजीव जी, ठीक है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम, गौरव और अनामिका बी राजीव। फिर नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने दो जियो पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, कौन कौन से, भुवन पंचायत वर्जन 4.0 और नेशनल डाटाबेस फॉर एमरजेंसी मैनेजमेंट NDEM वर्जन 5। और ये जो जियो पोर्टल्स है ये डेवलप किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ये डेवलप किया जा रहा है इसरो के द्वारा, इसरो। अब देखो जो हमारा भुवन पंचायत है इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आपने गांव में वगैरह में ज्यादा दिक्कत क्या देखी होगी, जमीन की दिक्कत होती है, क्या कि मेरा एरिया यहां तक है, दूसरा बोलता है नहीं, आपका एरिया यहां तक है और ये बाकी वाला एरिया मेरा है, तो इसके पीछे काफी लड़ाई होती रहती है। अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, आप जाओगे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फिर वहां पे आप पटवारी को ढूंढोगे,
फिर आप बोलोगे कि भाई हमारी निशानदेही सेट करो, ठीक है, तकसीम वगैरह ये सब होता है, फिर वो आपको डेट देगा, फिर तहसीलदार आएगा या नायब तहसीलदार आएगा, फिर आपकी जमीन का पूरा मेजरमेंट होगा, ये सब होता है। तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो अब सरकार क्या कह रही है, इस भुवन पंचायत के थ्रू जो भी आपकी लैंड मार्किंग है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाया करेंगी, जिससे आपको जो ये पटवारी वगैरह है इनके ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें देख सकते हो आपका एरिया कितना है, आपकी लैंड होल्डिंग कौन कौन सी है, वो सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा ऑनलाइन जियो पोर्टल्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका जो NDEM वर्जन 5 है, ये किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो वही बात है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी, क्लाइमेट कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर क्लाइमेट की वजह से जो रिस्क आते हैं, डिजास्टर की वजह से जो रिस्क आते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए ये NDEM वर्जन 5 जो है वो लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के रिलेटेड। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्या किया, रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन। और ये कैंपेन किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है, तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। तो देखो जो ये कैंपेन लॉन्च किया है इसका मेन फोकस एरिया क्या है कि स्टॉप डायरिया, डायरिया को रोकना एंड प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो गंदे पानी की वजह से, रुके हुए पानी की वजह से डिजीज होती हैं उनको प्रिवेंट करना है, मेन फोकस एरिया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन का। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है, 860.35 करोड़ रुपए दिए हैं किसको, वेस्ट बंगाल को, ताकि ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें। किस चीज के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें बाय ईयर 2026। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी संपूर्णता अभियान, ये भी एक कैंपेन है 3 महीने के लिए चलाया जाएगा। ये किस लिए चलाया जाएगा और ये कैंपेन है किसका, तो ये कैंपेन है हमारा नीति आयोग का। और ये किस लिए चलाया जाएगा, तो देखो हमारे लक्ष्य क्या था कि हम 112 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बनाएंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और 500 ब्लॉक्स जो हैं उनको बनाएंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि इनको इतना बेहतर बना देंगे हम कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स के लिए ये क्या होंगे, एक एस्पिरेशन का काम करेंगे, ये एक रोल मॉडल होंगे। तो ये कितने बनाएंगे हम, 112 डिस्ट्रिक्ट्स को बनाएंगे एस्पिरेशनल और 500 ब्लॉक्स को। तो ये अभी हमने टारगेट पूरा अचीव नहीं किया है, तो इस टारगेट को पूरा अचीव करने के लिए क्या कैंपेन लॉन्च किया है, संपूर्णता अभियान, और ये 3 महीने का कैंपेन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग मिनिस्टर, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, क्या है ये, यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने एक चीज लॉन्च की, क्या है, INFLIMEN। अब इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिज्म डिजीज नेटवर्क, जो कि कहां लॉन्च किया इन्होंने, लीवर एंड बाइलरी साइंस लैब्स, जो कि कहां है, न्यू दिल्ली में। अब ये जो स्कीम है, ये जो टेक्निक है, ये किस लिए लॉन्च किया है, ये लॉन्च की है इंडिया ने फ्रेंच के साथ मिलके, और किस लिए की है, ताकि ये कॉम्बैक्ट कर सके, लड़ सके किसके साथ, फैटी लीवर डिजीजेस के साथ, जो भी हमारी फैटी लीवर डिजीजेस हैं उसको टैकल कर सके, और टैकल करने के लिए ये चीज का लॉन्च किया है किसने, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग ICAR। ICAR क्या है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इन्होंने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अब इस स्कीम के तहत टोटल 5,521 साइंटिस्ट ने इनरोल किया है। तो देखो इस स्कीम में क्या किया जाएगा, बेसिकली अगले 5 साल तक हर साइंटिस्ट क्या करेगा, अपने एक यूनिक प्रोडक्ट पे काम करेगा, एक साइंटिस्ट अपने एक यूनिक प्रोडक्ट पे काम करेगा, मतलब सभी साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, दूसरा डुप्लीसिटी नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई दो साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो बाय चांस, ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा कि हम डुप्लीकेशन को अवॉइड कर पाएंगे, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। इसमें होगा क्या, एक साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट, यूनिक प्रोजेक्ट पे काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया है, एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी को ओपन किया है। और ये कहां ओपन हुई है, हमारी रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि किसके अंडर आता है, ये आता है हमारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है फरीदाबाद हरियाणा में। अब देखो इस प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी का मेन काम क्या होगा, ये काम करेगी हमारी बेसिकली बायो सेफ्टी लेवल 3 पैथोजेंस के ऊपर, मतलब जो हमारे वायरसेस है जो बायो सेफ्टी लेवल 3 के अंडर आते हैं उन पे काम करेगी ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क
फैसिलिटी। तो ये लोकेटेड कहाँ है, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच है जो कि क्या नाम है जिसका, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये लोकेटेड कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनके यूनियन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इससे पहले इंडिया के कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थे, 499, अब इन्होंने 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम क्या है, अपना रेडियो। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 90। 90 फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या सुनने को मिलेगा, अब अपना रेडियो। और ये लॉन्च कहाँ किया इन्होंने, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन एजवाल मिजोरम में। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट इन इंडिया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स जो फर्स्ट टाइम हैपन हो रहे हैं इंडिया में। तो देखो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कर्नाटका गवर्नमेंट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने साउथ इंडिया का फर्स्ट और बिगेस्ट लेपर्ड सफारी पार्क ओपन किया है। कहां पे ओपन किया है, बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। तो इसमें रिसेंटली 8 लेपर्ड्स को छोड़ा गया था। तो ये जो बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, ये साउथ इंडिया का फर्स्ट है। तो यहाँ पे आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का फर्स्ट लेपर्ड सफारी पार्क कौन सा है, तो वो है आपका झलाना लेपर्ड सफारी पार्क, जो कि लोकेटेड है आपका कहां पे, जयपुर राजस्थान में। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है, किसके लिए, एशियन किंग वल्चर्स के लिए। इनका दो नाम और है, इनको एशियन किंग वल्चर्स बोल लो, या फिर आप रेड हेडेड वल्चर्स बोल लो, या फिर आप पॉन्डिचेरी वल्चर्स बोल लो। तो इनके लिए वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोला गया, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। और ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है हमारा महाराजगंज यूपी में। फिर नेक्स्ट न्यूज है आपका कि असम की एक सेक्रेटरिएट है, एक बिल्डिंग है, भवन है, जो कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हेड ऑफिस बना है, जहां मुफ्त बिजली पे चल रहा है, मतलब ग्रीन एनर्जी पे, खुद की बनाई हुई बिजली पे चल रहा है, उसको बाहर से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपनी बिजली जनरेट कर रहा है और अपनी बिजली पे चल रहा है। तो ये इंडिया का फर्स्ट सेक्रेटरिएट बना है, असम का सेक्रेटरिएट, जिसका नाम क्या है, जनता भवन, जो कि कहां लोकेटेड है आपका, दिसपुर गुवाहाटी असम में। ठीक है, यहाँ पे दो न्यूज और है आपकी। एक तो है आपकी, देखो ये जो बिजली की बात हुई है, बिजली के लिए एक चीज और की है इंडिया गवर्नमेंट ने, इंडिया का फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाया है। ये कहां पे बनाया है आपका, जमतारा डिस्ट्रिक्ट में, जमतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अब कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, इसमें आप कोल को ऑक्सीडाइज करते हो और उससे क्या होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको आप यूज करते हो किस वेरियस पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाया जा रहा है इंडिया में फर्स्ट, कहां, जमतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। साथ ही साथ इंडिया का फर्स्ट एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रोजेक्ट। और ये कहां बनाया जा रहा है आपका, मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां पे बनाया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कर्नाटका गवर्नमेंट। तो कर्नाटका क्या है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने क्या किया है, जो इनके गवर्नमेंट इंप्लॉयज रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं, उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रिलीफ फंड दिया है। मतलब जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं, उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए देने वाला पहला स्टेट कौन बना है, कर्नाटका। तो रिसेंटली इनकी कर्नाटका स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के 4 लोग रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए थे, तो उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ रुपया दिया है ईच, किसने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड इंडिया का तो फर्स्ट स्टेट है ही, साथ साथ वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है क्या, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। अब ये ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स क्या करेगा, ये मेजर करेगा एनवायरमेंटल हेल्थ को मेजर करेगा ये ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। और इस एनवायरमेंटल हेल्थ को मेजर करने के लिए इन्होंने 4 पैरामीटर्स रखे हैं, कौन कौन से, वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड सॉइल। बात करते हैं लास्ट न्यूज की। तो लास्ट न्यूज है हमारी, मेघालय गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और ये इंडिया का सेकेंड स्टेट बन गया है जो खुद का अपना गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसने, और इसका नाम क्या है, हेलो मेघालय। तो ये सेकंड है, तो यहां से जाहिर सी बात है क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है हमारा केरला। और इसका केरला के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, सी स्पेस। साथ ही साथ केरला जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है टू पब्लिश पीपल्स
बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो ये भी चीज याद रखना। तो ये था आपका नेशनल अफेयर, जल्दी मिलेगा आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।